हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जी हाँ, यूपी ट्रिपल SC से और नई भर्ती के संबंध में अब क्या खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जैसा कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1 मंथ एगो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि आयोग ने एक नोट जो है एक वक्तव्य दिया था, जो न्यूज़ चैनलों को न्यूज़पेपर वाले को दिया था, न्यूज़पेपर चैनल वालों को दिया था कि आयोग 1000 भर्तियों पर परीक्षण कर रहा है, प्रस्ताव मिल चुका है और जैसे ही प्रस्ताव पूरा हो जाएगा, परीक्षण पूरा हो जाएगा और हम अपना जो है इसके संबंध में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आप लोग आपने देखा होगा कि बोरिंग टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उसका फॉर्म आ चुका था और लास्ट डेट संभवतः इसका 4 सितंबर था, तो वो कंप्लीट हो चुका है ना। यानी अगर बात कर ली जाए तो आज आपका कितना तारीख है, वो अब जो है सॉरी 13 तारीख है, तो 13 सितंबर आज आपका डेट है मित्रों। अब बात कर लिया जाए तो अगले सप्ताह तक, संभवतः कल तो नहीं लेकिन अगले सप्ताह तक जो है आपकी एक नई वैकेंसी आने वाली है। वो कौन सी वैकेंसी होगी, योग्यता उम्र सबकी चर्चा की जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। लेकिन आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आपके राइट हैंड साइड पर स्क्रीन के सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई तो आप तक तुरंत सीधे पहुंच जाए, है ना। तो चलिए अब लेते हैं पूरी खबर उस भर्ती के संबंध में। आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी याद दिला देता हूं, दिखा देता हूं जो है मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूं, याद दिला देता हूं। अगर हमारे ऐसे मित्र जो पहली बार देख रहे हैं या फिर जो नहीं देख पाए थे, छूट गया था, तो उनको मैं याद दिला देता हूं, दिखा देता हूं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अमर उजाला, बोरिंग टेक्नीशियंस और सहायक संख्या के अधिकारी के रिक्त पद पर भर्ती जल्द। तो 1000 रिक्त पदों से जुड़ी हुई 2 भर्ती परीक्षाओं का परीक्षण जो आयोग कर रहा था, प्रस्ताव का वो परीक्षण लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो खबर मिल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सूत्रों के माध्यम से मित्रों। और बोरिंग टेक्नीशियन की जैसा कि आप लोग जानते हैं 486 पोस्ट के आसपास जो भर्ती थी वो विज्ञापन जारी कर दिया गया था आपका जो है अगस्त माह में ही। 4 सितंबर संभवतः लास्ट डेट था इस फॉर्म भरने का जो है बोरिंग टेक्नीशियन का, वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब जो भर्ती आने वाली है वो सहायक संख्या के अधिकारी के रिक्त पदों पर आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मित्रों, सहायक संख्या के अधिकारी अभी जो है लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा की बात कर रहा हूँ, UPSC जो है इसमें जो है इंटरव्यू 2015 का जो शायद चल रहा है सहायक संख्या के अधिकारी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सहायक संख्या के अधिकारी की जो भर्ती अब जो है पहले लोक सेवा आयोग करवाती थी, ठीक ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाती थी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी, अब ये जो पूरा प्रोसेस जो है इसके जो है सिलेक्शन का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया है। किसको? UPSC को सौंप दिया गया है शासन के द्वारा। तो बड़ी चीज ये है, सहायक संख्या की अधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, भर्ती मैंने बताया आपको जो है नेक्स्ट वीक इसकी संभावना ज़्यादा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साइट पर देखने को मिल सकती है सहायक संख्या की अधिकारी की भर्ती को लेकर के मित्रों। अब बड़ी चीज़ ये है, आप लोग दिमाग में चल रहा होगा जैसा कि नाम से एक दिख रहा कि सहायक संख्या की अधिकारी, तो अगर हम लोक सेवा की बात कर ले जो अभी तक योग्यता चल रही थी लोक सेवा आयोग में, तो जो हमारे BSc मैथ से हैं कैंडिडेट या फिर जिनका कॉमर्स है ग्रेजुएशन या फिर जो है सांख्यिकी एक विषय के तौर पर जो है स्नातक पढ़े होंगे वो लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लेकिन अब ये देखना है कि जैसे UPSC अब ये करवा रहा है तो क्या क्वालिफिकेशन रखेगा। लेकिन ये आप मान के चलिए जो हमने बताया BSc मैथ कॉमर्स जो इसका स्नातक है या फिर जो एक सब्जेक्ट के रूप में सांख्यिकी स्नातक में पढ़े हैं, ये 3 लोग तो जरूर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग जी हाँ ऑलमोस्ट आपका 600 के एबव ये वैकेंसी आने वाली है मित्रों, 600 के एबव ये वैकेंसी आपके आने वाली है। आप लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाइए अगर ये क्वालिफिकेशन आप रखते हैं। लेकिन अंतिम जो है बातें मैं कह सकता हूँ, अंतिम जो क्वालिफिकेशन होगा वो आयोग के विज्ञापन आने के बाद है। लेकिन जो इंस्पेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों वो यही है। अगर एज की बात कर लें तो एज भी लगभग आपकी जो है न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होगी, है ना। मैं ये इंस्पेक्टर बता रहा हूँ, मैं ऑफिशियली आपको नहीं बता रहा हूँ मित्रों, इस पर आप थोड़ा माइंड करिएगा।
तो 21 से 40 साल के बीच में ये आयु भी हो सकती है, उम्र भी हो सकती है। क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, स्नातक में ये डिग्री वाले जो अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। तो देखते हैं अगले सप्ताह ये वैकेंसी आने की संभावना है जो खबर दिख रही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो इस वीडियो से संबंधित जो इस भर्ती के संबंधित इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में बताया मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।